नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल के लिए हमने यहाँ पे पीवाईक्यू जो सीरीज़ है उसका शुभारंभ किया हुआ है। पहले जो वीडियो थी, पहले लेक्चर में हमने चार शिफ्टों के जो एग्ज़ाम पेपर थे वो पीवाईक्यू सोल्व कर लिए गए थे, जिसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन हमने वहाँ पे सोल्व किए थे जीके जीएस से। अब जो सेकंड वीडियो आने वाला है, इसके अंदर हम नेक्स्ट चार शिफ्ट के जो है वो पेपर सोल्व करने वाले हैं, जिसमें 5 से लेकर 8 शिफ्ट तक जो है वो क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन ही इसके अंदर रहने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए डायरेक्ट हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम पेपर है 9 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है सीजीएल का 2024 का टायर 1। उससे पहले हमको ये जो सीरीज है वो कम्प्लीट करवानी है। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, मशीनें, उपकरण, सामग्रियां और भवन किस प्रकार के माल के उदाहरण है। तो ये किस प्रकार के माल के उदाहरण है, तो ये हो जाएंगे पूंजीगत माल के उदाहरण। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर यहां पे सेकंड में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान था। तो किस राज्य ने जो है वो 36वें राष्ट्रीय खेलों की जो है वो मेजबानी की थी, तो ये की थी गुजरात के द्वारा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3rd पर, तो क्वेश्चन नंबर 3rd में कहा गया है, समूह 17 के किस तत्व के क्रमशः 75.70 और 24.33 की औसत पर चूड़ता के साथ 35 और 37 AMU द्रव्यमान के दो समस्थानिक होते हैं, तो कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये क्लोरीन के जो हैं दो समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4th पर। क्वेश्चन नंबर 4th में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4th में कहा गया, आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाला पहला समाज सुधारक कौन था। तो आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाला पहला समाज सुधारक कौन था, तो ऑब्वियसली ये राजा राम मोहन राय थे। क्वेश्चन नंबर 4th का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5th पर। क्वेश्चन नंबर 5th में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5th में कहा गया है, दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये जो दलखाई है ये किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा उड़ीसा का। क्वेश्चन नंबर 5th का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, सतलुज और डैश नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं जो हिमालय है, किन दो नदियों के बीच के जो क्षेत्र है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। पहली तो सतलुज नदी होगी, दूसरी नदी पूछी गई तो दूसरी नदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये काली नदी है। तो सतलुज और काली नदियों के बीच का जो स्थित भाग क्षेत्र है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने के लिए मार्च 2022 में सरकार द्वारा माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। तो ये किस राज्य के अंदर शुरू किया गया था, जो सरकारी स्कूल हैं भारत के उनके अंदर अंग्रेजी माध्यम शुरू करने के लिए मार्च 2022 में भारत सरकार के द्वारा किस राज्य में उरु माना बाड़ी जो है ये औपचारिक रूप से कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये तेलंगाना राज्य के अंदर किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन डैश पर भारित की जाती है। तो किस पर प्रभारित होती है, तो ये होती है भारत की संचित निधि पर। जो ये सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी हो गए या फिर सेवक उनके सेवक हो गए, उनके संबंध में जितने भी पेंशन होगी उनकी सैलरी होगी वो सारी जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, प्रारूप
प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो प्रारूप जो समिति थी उसके द्वारा भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये फरवरी 1948 में जो है वो पहली बार प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया गया था। भाग 9B किससे संबंधित है? तो ये जो भाग 9 है भारतीय संविधान का भाग 9B है, ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये हो जाएगा सरकारी सहकारी समितियों से संबंधित है भाग 9 का बी पार्ट। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया मस्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो मस्की शिलालेख है ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। तो ये जो मस्की शिलालेख है ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 में कहा गया है, 12 में कहा गया असद अली खान दिए गए संगीत वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र पर अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं? तो ये असद अली खान जो व्यक्ति थे ये किस यंत्र को जो है वो बजाते थे? तो ये बजाते थे, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये रुद्र जो वीणा है इसको बजाते थे असद अली खान। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में कहा गया है बाण गंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये जो बाण गंगा उत्सव है महाराष्ट्र में ये मनाया जाता है और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, मुंबई के किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर 1, ये मुंबई में मनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है उस फ्रांसीसी जोहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। तो वो एक फ्रांसीसी था जो मुगल काल के दौरान 6 बार भारत में आया था, तो कौन था ये? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये हो जाएगा जीन बैप्टिस्टा ट्रेवनियर हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में कहा गया निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का जो है वो श्रेय दिया जाता है? तो किसको श्रेय दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये ब्रह्म समाज को दिया जाता है, ब्रह्म समाज संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी? तो किसकी प्रतिरोधकता जो है वो सबसे अधिक होगी? तो ये होगी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये नाइक्रोम की जो प्रतिरोधकता है वो सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में कहा गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना के पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था? तो ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है 2005 के तहत काम का अधिकार योजना को पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये स्टार्टिंग में 200 जिलों में जो है वो प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है स्टार्च जो है इसका रासायनिक प्रशिक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये आयोडीन विलयन का जो है उपयोग किया जाता है स्टार्च का रासायनिक प्रशिक्षण करने के लिए। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में मिलान करने के लिए दिया गया है, यहाँ पे पोषक तत्व दिए गए हैं और यहाँ पे स्रोत दिए गए हैं। तो पोषक तत्व तो हमें किस किस स्रोत से मिलते हैं ये बताना है हमें। तो डायरेक्ट चलते हैं आंसर पर, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये हो जाएगा पहले का हो जाएगा सी, यानी कि प्रोटीन युक्त भोजन हमें मिलता है सफ़ेद अंडे से। दूसरे का हो जाएगा डी, यानी कि सेकेंड का हो जाएगा डी। तो ये जो वसा युक्त भोजन है ये हमें मक्खन और पनीर से मिलता है। थर्ड का हो जाएगा ए, यानी कि गेहूं हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन है वो गेहूं से हमें मिलता है। लास्ट में फोर बचा, तो फोर हो जाएगा बी, यानी कि जो विटामिन सी है वो हमें नींबू से मिल जाता है। तो ऐसे आपको ये जो मिलान है सही मिलान करने हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पर।
क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, सेल की सहायक कंपनी की पहचान कीजिए जो कोलकाता आसनहोल रेलवे लाइन के किनारे पर स्थित है। तो सेल की एक सहायक कंपनी है जो कि कोलकाता आसनहोल रेलवे लाइन के किनारे पर अवस्थित है, तो वो कौन सी कंपनी है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ये हो जाएगी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में कहा गया है, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नृतक या फिर नृत्यकी कौन थे? तो जो ओडिशा के पहले नृतक या फिर नृत्यकी थे, कौन थे जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे? तो ये हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, तो ये हो जाएंगे केलुचरण महापात्रा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में कहा गया है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? तो ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके अंदर जो है अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण जो है वो वर्षा होती है? 22 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों के अंदर अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण जो है वो वर्षा होती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने कभी भी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की? तो ऐसा कौन सा देश है जिसने कभी भी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ये जो भारत देश है इसी ने पैरालंपिक जो खेल है उसकी मेजबानी कभी नहीं की। वर्तमान में पेरिस पैरालंपिक जो गेम है वो चले हुए हैं, इसको आप एक बार थोड़ा सा रीड जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो शुरू की गई थी? तो ये जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, तो ये आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना को शुरू किया गया था। तो आज की शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है, दिसंबर 2021 में आंचल ठाकुर एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए चर्चा में थी, वह किस खेल से संबंधित है? तो जो आंचल ठाकुर है ये कौन सा खेल खेलती है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, तो ये अल्पाइन स्कीइंग करके जो है वो खेल खेलती है। अभी वर्तमान में जो हम PYQ सीरीज कर रहे हैं इसके अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी आपको दिखे उसको सिर्फ आपको ये याद रखना है, क्योंकि उस समय 2023 का ये करंट अफेयर है, तो 23 के करंट अफेयर से तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट आपको ये याद रखना है जो व्यक्ति है वो किस खेल को खेलता है या फिर किस खेल से वो संबंध रखता है, इतना ज़रूर आप इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। तो ये पहली शिफ्ट हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट शिफ्ट के ऊपर जल्दी से। ये मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं, जल्दी से हम अपनी नेक्स्ट शिफ्ट पे आ जाते हैं जिससे आपका जो टाइम वेस्ट है वो कम हो। ये इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं और देख लेते हैं आगे, तो ये नेक्स्ट शिफ्ट आ गई है, यहाँ पे देख लेना कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यहाँ पे देख लेना कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 टायर वन का हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके हम डायरेक्ट GK GS पोर्शन पर आ जाएंगे, तो ये आ गया है GK GS वाला पोर्शन, यहाँ पे देख लीजिएगा। ये यहाँ पे जनरल अवेयरनेस यानी GK GS वाला पोर्शन आ गया है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया, तैयारी भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में ब्राउनिंग और मलिनीकरण को धीमा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये खाने की बात हो रही है, खाने के अंदर जो है पेय पदार्थों के अंदर ब्राउनिंग और मलिनीकरण को धीमा करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, तो ये सल्फाइड्स का जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम, जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करेंगे।
इसमें कहा गया सिस्मोग्राफ का जो उपयोग है वो क्या मापने के लिए किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ऑब्वियसली भूकंप को नापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो बांग्लादेश का जो है वो राष्ट्रीय फल हो जाएगा कटहल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया शास्त्रीय नृत्य रूपों को प्रोत्साहन देने में अपने अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नृतक के रूप में किसे सम्मानित किया गया, तो किसे सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ये किया गया था यामिनी कृष्णामूर्ति को जो है वो प्रोत्साहित किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहा गया है संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो ये एक तरफ संगीतकार दिए गए हैं, दूसरे उनके जो हैं यंत्र दिए गए हैं, एक ऑप्शन ऐसा है जो कि मैच नहीं करता, बाकी तीनों मैच करते हैं। आइए उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, तो ये जो पंडित राम नारायण है इनका सरोद यंत्र नहीं है, बाकी ये सब सही है। एन राजम जो है वो वायलिन बजाते थे, बिस्मिल्ला खान जो है वो शहनाई बजाते थे, और जो पंडित रविशंकर थे वो सितार बजाते थे, तो ऐसे आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा गया CH3CH2OH और O2 की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, इससे कौन सा उत्पाद है जो बनता है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश, ये उत्पाद इससे बनता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेवन पर। सेवन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्टार्च का दूसरा नाम है, तो कौन सा विकल्प है, ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, जो स्टार्च का दूसरा नाम है जो विशेष रूप से मकई आलू गेहूं और चावल के बीजों फलों कंदों पौधों की जड़ों और तनों के गूदों में पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, तो ये एमिलम जो है वो पाया जाता है इन सभी पौधों के अंदर। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर एट पर। क्वेश्चन नंबर एट में कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी, तो निम्नलिखित में से ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का जो है वो स्रोता मानती थी। क्वेश्चन नंबर एट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, तो ये आर्य समाज थे जो वेदों को ही समस्त ज्ञान का स्रोता मानते थे। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर नाइन पर। नाइन में कहा गया बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना थे उनका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, तो ये हेक्टर मुनरो के द्वारा जो है वो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, लास्ट की दो डिजिट मैं बता देता हूँ, 17 बताई गया, कोई नहीं, चलो फिर भी बता देना आप कौन से जो सन में ये बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 के बीच में चली थी का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य किसे प्राप्त करना था, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, तो ये जो भारी उद्योगों पर फोकस के साथ तेजी से उद्योगीकरण करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह फोकस किया गया था भारी उद्योगों और फोकस के साथ तेजी से औद्योगिकरण। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर यहां पे 11 में कहा गया है 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास परियोजनाओं की निधि देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है, तो कौन सी योजना है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, तो ये हो जाएगा PM डिवाइन, ये हो जाएगा इसकी फुल फॉर्म आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 में कहा गया जनवरी 2022 में ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए राचेल हीहो फ्लिंट
ट्रॉफी के लिए किसे नामित किया गया था। तो ये छोड़ सकते हैं आप क्वेश्चन, क्योंकि हर महीने ये निकालते रहते हैं। जनवरी 2022 में जो ICC है ये हर महीने प्लेयरों को निकालता रहता है, ये क्वेश्चन आप एक बार छोड़ दीजिएगा। वैसे मैं आंसर बता देता हूँ, स्मृति मंधाना इसका आंसर है, ये आप स्किप जरूर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था। जो समाहर्ता नामक का अधिकारी होता था उसका क्या कार्य होता था, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये कर निर्धारण का जो काम है वो करता था समाहर्ता नाम का अधिकारी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर, 14 में कहा गया, निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे। तो जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था 2020 में हुआ था, तो याद रखिएगा टोक्यो पैरालंपिक 2020 था ये कहाँ पर हुआ था, टोक्यो में हुआ था। सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक थे वो किसने जीते थे, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये चीन के द्वारा जो है सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते गए थे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर, 15 में कहा गया है, एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण डैश के नाम से जाना जाता है। तो एक वित्तीय वर्ष में जो सरकार की अनुमानित प्राप्तियां होती हैं और जो व्यय का वार्षिक विवरण है मतलब जो खर्च करती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये जाना जाता है बजट के नाम से। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर, 16 में कहा गया है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया था। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था, क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ऐसा किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर, 17 में कहा गया है, चांगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो चांगाई जो नृत्य है वो भारत के किस राज्य से संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नागालैंड राज्य से ये संबंधित है चांगाई नृत्य। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर, 18 में कहा गया, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार के डैश के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो कौन सा संस्करण जो ये आयोजित किया गया था, भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार के जो है पुरस्कार दिए गए थे, डिजिटल इंडिया पुरस्कार दिए गए थे। तो ये कौन से संस्करण के जो है पुरस्कार दिए गए थे, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये 7वें संस्करण के जो हैं वो पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर, 19 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जैसे नागरहोल बांदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये गौर हो जाएगा, तो जो ये गौर है ये संरक्षित घरेलू जो मवेशी वहाँ के होते हैं, लोकल जो मवेशियाँ होते हैं उनके ये मतलब रिश्तेदारों जैसे ही होते हैं, वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जो ये गौर टाइप में होते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर, तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जिन मामलों में किशोर अपराधी 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक है उसे न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित किया जाना चाहिए। तो ये कौन सा मामला था, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। तो ये हो जाएगा देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य ये मामला था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के किस जो है किस भाग में संघीय कार्यपालिका का जो प्रावधान है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये भाग 5 के अंदर है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर, 22 में कहा गया, यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है।
इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में कौन सा जो है वो त्यौहार मनाया जाता है? 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ये हो जाएगा ईस्टर त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में कहा गया है प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपीन का जो रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला ये पूछा गया है, तो सूत्र जो है रासायनिक प्रोपीन का ये हो जाएगा 23 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा C3H6 जो है वो प्रोपीन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर जो है वो प्रभाव था? तो दिल्ली सल्तनत की ऐसी कौन सी प्रणाली थी जिसका जो है प्रभाव वो विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों पर भी देखा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये इक्तादारी जो व्यवस्था थी इसका प्रभाव विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों पर भी देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की जो है वो मेजबानी की है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दक्षिण कोरिया जो देश है उसके द्वारा 3 बार एशियाई खेलों की जो है वो मेजबानी की जा चुकी है। तो ये हो गया, दूसरी शिफ्ट भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट तीसरी शिफ्ट के ऊपर, जल्दी से जल्दी हम तीसरी शिफ्ट पे चलते हैं और उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जिससे वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाए और आपका भी टाइम वेस्ट यहाँ पे ना हो। नेक्स्ट आ जाएंगे हम शिफ्ट पर, आज की शिफ्ट नंबर 3। तो ये नई शिफ्ट आज की, नेक्स्ट थर्ड शिफ्ट शुरू हो गई है आज की। जल्दी से हम GKGS पोर्शन पर चलते हैं। तो ये GKGS वाला पोर्शन यहाँ से शुरू हो गया है, तो यहाँ पे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो द्विसदनीय संसद का जो है वो प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो अनुच्छेद 79 जो है वो द्विसदनीय संसद का जो है वो प्रावधान करता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड में कहा गया है भारत में बेरोजगारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बेरोजगारी से संबंधित जो है कथन दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं। पहले कथन में कहा गया है मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मौसमी जो बेरोजगारी होती है वो मुख्यतः शहरों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है शिक्षित बेरोजगार लोग मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। थर्ड में कहा गया है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने के लिए उच्च फसल सघनता वांछनीय है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो केवल सी जो है वो राइट स्टेटमेंट रखी गई है, यानी कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इसमें बेरोजगारी को कम करने के लिए उच्च फसल सघनता वांछनीय है। तो यही ऑप्शन जो है वो राइट है, ऊपर वाले दोनों जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? तो कौन सा युग्म है जो गलत मिलान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन जो है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो जो 4 है एंकिलोस्टोमा जो कि पिन क्रीमा से रिलेट किया गया है, यही ऑप्शन गलत है। बाकी जो हैं वो सभी सही मेल किए गए हैं, यानी कि एस्केरिस गोल क्रीमी है, टीनिया फीता क्रीमी है और वुचेचेरिया जो है फाइलेरिया क्रीमी से ये संबंधित है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंध नहीं रखता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंध नहीं रखता? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5th में कहा गया है डैश एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र है C6H5 2CO होता है।
तो ऐसा कौन सा है, ये किसका नाम यहाँ पे जो है केमिकल फॉर्मूला दिया गया है, रासायनिक सूत्र यहाँ पे दिया गया है, तो इससे आपको पहचाना है। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5th का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd। तो ये हो जाएगा बेंजोफोन फिनोन। तो बेंजोफिनोन का जो है ये रासायनिक सूत्र यहाँ पे दिया गया है C6H52CO। तो यही है कार्बनिक यौगिक, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में जो है वो आरक्षण का अधिकार है। तो ये कौन से में किया गया था, ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा। कौन सा मामला था, ये था केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ जो है वो मामला था, जिसमें बताया गया था कि जो विकलांग व्यक्ति है इनको जो पदोन्नति मतलब कि जो इनका प्रमोशन होता है उसमें आरक्षण इनको मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी। तो पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये हो जाएगा 24वीं रैंक थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कितने मेडल भारत ने यहाँ पे जीते थे, टोटल मेडल। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में कहा गया डैश की दक्षिणी श्रेणियों में स्थित मासिनरोम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो ये पूछा गया है, तो जो दक्षिण श्रेणियों में स्थित है मासिनराम, ये विश्व की सर्वाधिक औसत जो है वर्षा यहाँ पे होती है। तो ये कौन सी हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये खासी पहाड़ियों में स्थित है जो मासिनराम है, ये खासी पहाड़ियों में स्थित है, यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक जो है वो बरसात होती है। नेक्स्ट आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे। तो हरिजन सेवक जो संघ था उसकी स्थापना 1932 में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की जो है वो स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में कहा गया सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था। तो सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया था, 2021 का है, चाहे तो छोड़ सकते हैं, मैं आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये अनिल प्रकाश जोशी को जो है वो सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में कहा गया है सोहन सिंह भाकना और हरदयाल मुख्य रूप से किस संगठन से जुड़े थे। तो सोहन सिंह भाकना और हरदयाल मुख्य रूप से ये व्यक्ति थे, किस संगठन से जुड़े थे, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। तो ये गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। आप मुझे ये बताएंगे गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। स्थापना कब हुई थी और कहां पर हुई थी, मैं बता देता हूं, हिंट दे देता हूं, जो स्थापना थी वो भारत के बाहर हुई थी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये तीन व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, कौन सा यंत्र जो है ये बजाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये सितार जो है वो बजाते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में कहा गया हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो हेमिस महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो लद्दाख राज्य के अंदर ये जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में कहा गया है होजगिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग को पद्मश्री प्राप्त हुआ था।
वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो होजगिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग को पद्मश्री मिला था। तो ये जो व्यक्ति हैं, जो सत्यराम रियांग है, ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये त्रिपुरा से जो है वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में कहा गया है, अक्टूबर 2021 में सरकार द्वारा शुरू किया गया देश के मेंटर का कार्यक्रम कक्षा तक के छात्रों के लिए है। तो अक्टूबर 2021 में एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था देश के मेंटर। तो ये किस कक्षा, कौन सी, किस से किस कक्षा तक के लिए जो है वो शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये 4 क्लास से लेके ये किया गया था प्लस 2 क्लास तक। नेक्स्ट आ जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक जो है ये मेंटर का कार्यक्रम कक्षा प्रोग्राम शुरू किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, छत्तीसगढ़ की बेलाडीला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो बेलाडीला पर्वत श्रेणी है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है। और ये जो बेलाडीला पर्वत श्रेणी है ये कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। तो लौह अयस्क के लिए ये जो पर्वत श्रेणी है ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी है? तो ओलंपिक ध्वज आपने देखा होगा जिसके अंदर काफ़ी सारे छल्ले बने होते हैं, तो कितने छल्ले उसके अंदर बने हैं? तो उसके अंदर बने हैं 5 छल्ले। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 छल्ले बने हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे, जो ये 5 छल्ले हैं ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? 5 छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर, जिसमें कहा गया है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया, क्योंकि भाग 3 डैश है। मौलिक कर्तव्यों को भाग 3 के अंदर नहीं रखा गया भारतीय संविधान के अंदर, क्योंकि भाग 3 के अंदर क्या रखे गए हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये वाद योग्य हैं। मौलिक कर्तव्यों को भाग 3 के अंदर नहीं रखा गया है, इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ये वाद योग्य हैं, मतलब इन पर वाद किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में कहा गया है, 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? तो 2015 में मिशन की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था अमृत, और इसका प्राथमिक क्षेत्र क्या है? जो अमृत भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया मिशन है, इसका प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीवरेज के बाद जो है वो जलापूर्ति इसका प्राथमिक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, निम्नलिखित में से क्या मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य क्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये हो जाएगा भंडारण की समस्या, भंडारण में समस्या। तो ये मुद्रा का कार्य नहीं है, भंडारण में समस्या। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। ट्वेंटी वन में कहा गया है, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो जियाउद्दीन बरनी के द्वारा जो है वो तारिक ए फिरोज शाही की रचना की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था? तो ये भी कल वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था, जो हेनसांग था वो हम देख चुके हैं, अगर आपने देखा होगा तो पता होगा। तो जो चीनी यात्री हेनसांग था ये हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। ऑप्शन 1 जो है वो राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में कहा गया,
कुम्मी लोक नृत्य है, भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये जो कुम्मी लोक नृत्य है ये किया जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तमिलनाडु राज्य की जो महिलाएं हैं वो कुम्मी लोक नृत्य करती हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में कहा गया है कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के लिए सॉस, सलाद, ड्रेसिंग और पेय पदार्थों जैसी विभिन्न वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय योजक है? तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ये सोडियम बेंजोएट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जिसके अंदर बोला गया है हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यह कहाँ पर स्थित है? तो ये हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थान है जिसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान। तो भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये थी थर्ड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन। आज की लास्ट शिफ्ट हम जल्दी से जल्दी शुरू कर लेते हैं और इस वीडियो का जो है वो समापन करते हैं। तो जल्दी से जल्दी हम आज की लास्ट शिफ्ट है वो शुरू कर लेते हैं। ये मैथ का पोर्शन चला हुआ है यहाँ पे, ये इंग्लिश शुरू हो गई है यहाँ से। तो ये आज की लास्ट जो है शिफ्ट शुरू हो गई है, फोर्थ शिफ्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं। जल्दी से इसके जीके जीएस के क्वेश्चन पर चलते हैं हम और उनको शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ से ये शुरू हो गई है, यहाँ पे देख लेना, ये जनरल अवेयरनेस के जो हैं वो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं, इसमें कहा गया है नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का भाग नहीं है? तो जो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है, कौन सी नदियाँ जो हैं वो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, तो महानदी और जो गोदावरी है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है शैवाल के प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे उचित नाम दिए गए हैं। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसको ऐसे मिलान करना है, ए का तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, बी का राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, सी का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, और फोर्थ का राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो ऐसे आपको मिलान करना है, आप देख लेना, जो एक दो भी याद रहेगा तो आप आराम से इजी सी मिलान कर लेंगे। जैसे कि लाल शैवाल जो है उसको रोडोफाइटा का नाम दिया गया है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, ये इंग्लिश में ही आ गया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है BFSI स्टैंड फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड डैश इन इंडिया, इट इज़ अ ब्रॉड टर्म फॉर इंडस्ट्रीज दैट ऑफर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। तो ये सर्विस है, BFSI स्टैंड फॉर बैंकिंग से रिलेटेड ये सर्विस है, तो ये इन इंडिया है, क्या ये प्रोवाइड करवाती है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो ये इंश्योरेंस जो है बीमा ये करती है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4th पर। क्वेश्चन नंबर 4th में कहा गया है निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता? तो ऐसा कौन सा हिल स्टेशन है भारत के अंदर जिसमें सर्दियों में जो है वो बर्फ नहीं गिरती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ये जो ऊटी है यही हिल स्टेशन है जहां पर जो है हिमपात नहीं होता है सर्दियों में। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5th पर। 5th में कहा गया है किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र जो है वो प्रदान किए जाते हैं? ऑब्वियसली ये गणतंत्र दिवस के दिन जो है वो प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में कहा गया है 1956 में निम्नलिखित में से किस खोज के लिए विलियम ब्रेडफोर्ड शाकले, जॉन बार्डिन और वाल्टर हाउसर ब्रेटन को संयुक्त रूप से भौतिकी का जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी कि फिजिक्स का जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1956 में। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तो ये ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज इनके द्वारा की गई थी, ये ऊपर जो जितने भी नाम दिए गए हैं विलियम ब्रेडफोर्ड शाकले।
जान बार्डिन और वाल्टर हाउसर। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांतों को फैलाने के लिए डैश को एक मिशन भेजा था। तो अशोक था ये काफ़ी महान राजा हुआ करता था। अशोक के जो हैं दादा का आप मुझे नाम बताएंगे कि इनके दादा का क्या नाम था, अशोक के जो दादा थे वो को क्या नाम था अशोक के दादा का, और ये जो अशोक थे किस वंश से ये संबंध रखते थे। इनके जो पुत्र का नाम था महेंद्र था और पुत्री का नाम था संगमित्रा था, और इन्हीं के द्वारा जो है धम्म सिद्धांत को पूरे भारत में पूरे विश्व में फैलाने के लिए कहाँ पर इन्होंने जो है अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था, तो ये हो जाएगा लंका इन्होंने जो है वो भेजा था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे जो अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में कहा गया है, समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार क्या होता है। तो समूह में जब नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, कम होता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर त्रिक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तो ये जो आकार है वो बढ़ता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में कहा गया है, निम्नलिखित में से क्या आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है, तो ये क्या बना देता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तो ये जो पित्त रस है ये अम्लीय को क्षारीय में परिवर्तन कर देता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंग्लिश में है कोई बात नहीं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर इम्प्लाइज, तो ये क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूज़ ऑफ मोर लेबर्स एंड कैपिटल इनपुट ऑन गिवन लैंड अंडर कल्टीवेशन। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में कहा गया, 7 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्री गुरु नानक देव जी के डैश प्रकाश पर्व के समारोह में भाग लिया और प्रार्थना की। तो 7 नवंबर 2022 को जो है वो गुरु नानक देव जी की कौन सी भी जयंती जो है वो बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो 553वीं जो है ये जयंती मनाई गई थी गुरु नानक देव की। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में कहा गया, नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे। तो ये जो नाना साहब थे ये कानपुर से विद्रोह किया था इन्होंने, और ये किस पेशवा के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तो बाजीराव द्वितीय के ये पुत्र थे। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में कहा गया है, संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो संगीतकार जो शिवमणि हैं वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तो ये ड्रम जो है इस यंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जो है वो जोड़ा गया था। तो कौन सी समिति ने जो है वो सिफारिश की थी ताकि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको भारत के संविधान में जोड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो ये सवर्ण सिंह समिति की जो है वो सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम और सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था। ऑब्वियसली सभी को पता होगा मलिक काफूर थे ये जो अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम थे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में कहा गया, यदि सरकारी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक है तो इसे क्या कहा जाता है। मतलब जो सरकारी राजस्व व्यय है खर्चा है वो प्राप्ति से अधिक हो जाता है। मतलब कि लोकल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ, आपकी कोई इनकम है, अगर आप जो खर्चा है वो इनकम से ज़्यादा कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है 60 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो ये कहा जाता है राजस्व घाटा बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया, कौन सा देश 2031
क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा। तो कौन सा देश है जो 2031 क्रिकेट विश्व की मेज़बानी करेगा, तो ये हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। 17 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18। बस तीन चार क्वेश्चन बच गए, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। 18 में कहा गया है, हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर महिला उद्यमियों की सहायता प्रदान करने के लिए डैश की घोषणा की थी। तो हरियाणा सरकार के द्वारा 2022 की यहाँ पे बात की जा रही है। अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी 2024 का जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा चुका है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम थी उसको भी बताया था, फिर भी देख लेते हैं 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला पर हरियाणा सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए कौन सी जो है वो घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ये हो जाएगा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, बोरगति किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो बोरगीत जो है ये हो जाएगा 19 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, तो ये हो जाएगा सतिया से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 में तीन दिए गए हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन पार्टी पार्टेनिंग इन द थ्री लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तीन लिस्ट दी गई हैं जो भारत की संविधान में दिए गए हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और ये संघ सूची, उसी के बारे में ये यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है, द सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट आर कॉल्ड रजिस्ट्री सब्जेक्ट। तो ये बताया गया है, ऐसे सब्जेक्ट जो कि तीनों लिस्टों में नहीं है उनको कहा जाता है रजिस्ट्री सब्जेक्ट बोला जाता है। बी पॉइंट में कहा गया, इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट देन द फॉर्मर प्रीवेल्स। थर्ड ऑप्शन में कहा गया, व्हेन द पार्लियामेंट इंट्रैक्ट ए लॉ ऑन रिक्वेस्ट टू और मोर स्टेट्स देन दैट लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ऑन द स्टेट लिस्ट एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट। मतलब ये कहा गया है कि पार्लियामेंट यानी कि संसद कोई कानून बनाकर बना देती है दो और मोर स्टेट, दो से ज़्यादा राज्यों के ऊपर राज्यों की सहमति से, तो उसको सभी राज्यों के ऊपर जो है वो लागू कर दिया जाता है। ये पूछा गया है कि स्टेशन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, उसके बाद क्या कहा गया है, ये कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ए और बी, ये जो दो ऑप्शन है ए और बी, यही दोनों ये करेक्ट है। सेंटर रिलेशन पार्टिंग द ए थ्री लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट, ठीक है, करेक्ट रिगार्डिंग पूछा गया है। ओके नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। 21 में कहा गया, भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था, तो पहला समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित किया गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। किस सन में किया गया था वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों और छात्रावासों का नाम बदलकर डैश के नाम पर रखा जाएगा। तो शिक्षा मंत्रालय ने एक समग्र शिक्षा योजना के तहत जो था वो स्कूलों और छात्रावासों का नाम बदलकर क्या नाम करने का फैसला किया था, तो 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो ये सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जो है वो हॉस्टलों के नाम चेंज किए जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है, तो बाल लिंगा अनुपात हो जाएगा 23 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, 1000 बालकों पर जो है वो 914 बच्चियां हैं यानी कि बालिकाएं हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि द नंबर ऑफ ऑन फील्ड अंपायर इन क्रिकेट मैच इज, जो क्रिकेट का मैच होता है उसके अंदर कुल, मतलब जो ऑन फील्ड होते हैं मैदान के अंदर कितने टोटल अंपायर होते हैं, तो ये होते हैं दो। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया, 2022 में पद्म पुरस्कार सम्मानित अर्जुन सिंह ध्रुवे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के आदिवासी नृतक हैं, तो ये पिछले साल के करंट अफेयर हैं, पास्ट के करंट अफेयर दिए गए हैं इनका। अगर आपको पुरस्कार याद रहे ना रहे, बस आपको ये याद रखना है ये जो व्यक्ति हैं किस नृत्य को, कौन सा नृत्य करते हैं या फिर किस स्टेट से ये बिलोंग करते हैं। तो 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था अर्जुन सिंह ध्रुवे को, ये कौन सी नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये बाइगा जो है इसी आदिवासी नृतक करते हैं, नृत्य शैली से संबंध है। तो ये टोटल हमने 100 जो है वो कर लिए हैं क्वेश्चन, यहाँ पर चार शिफ्ट यहाँ पे कर लिए हमने। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप जरूर चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।